केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने बारडोली लोकसभा विस्तार की जवाबदारी दरमियान तेमनी अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी ना लोकसभा प्रभारी अशोक धोराजिया संयोजक गणपत वसावा जिला संगठन प्रमुख संदीप देसाई तेमज महामंत्री योगेश पटेल की हाजरी में गतरोज कामरेज उमा मंगल हॉल खाते बैठक मिली थी। केंद्रीय मंत्री किशोर कौशल किशोरे जणाव्युं हतुं के आवनार वर्ष 2046 में भारत की आजादी 100 वर्ष पूर्ण थता देश प्रधानमंत्री विकसित भारत सपना ने साकार करने रोडमेप तैयार करने बैठक में उपस्थित कामरेज भारत भाजपा युवा मोर्चा महिला मोर्चा संगठन तेमज विविध मोर्चा पदाधिकारी साथ चर्चा करवामां आवी हती। ज्यारे विपक्ष विषे तेमणे जणाव्युं के कांग्रेस पक्ष हवे विपक्ष रह्यो नथी, कांग्रेस तेमज अन्य पक्ष तरफना मुस्लिम मतदारो पण हवे भाजपनी विचारधाराथी प्रेरित थई भाजप तरफ वळ्या छे। ए बारडोली लोकसभा में मेरा प्रवास है। मैं कौशल किशोर केंद्र सरकार में आवासन एवं शहरी विकास कार्य का राज्य मंत्री हूँ। बारडोली और दाहोद दो लोकसभा का प्रवास लगातार मुझे करना है। 18 महीने में हर महीने में दो दो दिन रुकना है यहाँ पे, तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में दो विधानसभा का ये कार्यक्रम था। इस विधानसभा में भी आए हैं और कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ, विधायक गण लोगों के साथ, जो मोर्चे के सभी पदाधिकारी हैं, महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, OBC मोर्चा, ST मोर्चा, SC मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा और युवा मोर्चा, इन सब लोगों के साथ एक बैठक हुई है। और बैठक करके आगे लोगों को जोड़ना, और जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर एक विकसित भारत बनाने का जो रोडमैप तैयार करना है उसी पे काम करना है, और विकसित भारत बनाने का काम करना है उसी के परिप्रेक्ष्य में आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक थी। हर चुनाव से पहले भाजपा माइक्रो प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है, कांग्रेस भी आती भी नहीं है दूर दूर तक और जीत का दावा हर बार करती है, लोकसभा भी आ रही है, फिर बार बार वो लोग दावा करते हैं कि हम गुजरात जीतेंगे या जीतेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, जब झूठ बोलना है कांग्रेस को तो कुछ भी कह सकते हैं, उनको मालूम है कि वो जीत करके नहीं आएंगे। और खुद राहुल गांधी इसके पहले बोल चुके हैं कि 2024 के चुनाव में भी BJP को कोई नहीं हरा पाएगा, मोदी जी को कोई नहीं हरा पाएगा, उनका यही बयान है। अखिलेश जी भी इस संबंध में बोल चुके हैं। अब विपक्ष पूरी तरीके से हताश है, निराश है। जो लोग विपक्ष को वोट देते हैं उन लोगों से मेरी अपील है कि अपना समय न बर्बाद करें, अपने मत को बर्बाद न करें, BJP के साथ जुड़ें और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को कमल के निशान पर वोट देने का काम करें और BJP से जुड़ने का काम करें। सब वो लोग राम मंदिर का विरोध करते थे, अभी राहुल गांधी में राम दिखता है उन लोगों को, क्या कहेंगे? देखिए, राम मंदिर का विरोध इसलिए करते थे कि वो तुष्टिकरण के तहत एक विशेष संप्रदाय का वोट लेना चाहते थे। आज वो विशेष संप्रदाय में मुस्लिम समाज का वोट भी बड़ी तेज़ी से BJP की तरफ मूव हो रहा है, बढ़ रहा है।